गुड इवनिंग, वेलकम टू एडु प्राइड, प्राइड विद द एक्सीलेंस। मैं आपका जीके गुरु पंकज मिश्रा। दोस्तों, आज आप देख रहे हो कि मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हमें 5 ईयर प्लान कैसे पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस इंडिया का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान था कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो, और जवाहरलाल नेहरू का एक एक पेट प्रोजेक्ट था कि हमें भारत की इकोनॉमी इस तरीके से डेवलप करनी है कि जो भी लोग हों, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको परफेक्ट बैलेंस मिले। सो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया का 5 ईयर प्लान को डेवलप किया गया। स्क्रीन पे आप मेरे देख रहे हो कि मैं आज 5 ईयर प्लान डिस्कस करने वाला हूं, और एक एक प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस प्लान में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी और हमें किन पॉइंट पे और किन बिंदु पे हमें फोकस करना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, अगर हमारे आप नए व्यूअर्स हैं और अगर आप चाहते हो कि आपके हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले, सो आप बेल आइकन दबाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को तो लाइक तो करिए ही, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते तो टीचर को और इंस्टीट्यूट को एक मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके। अब तक मैंने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोज बना दी है, जो LPG मॉडल के ऊपर है, GST है, इन्फ्लेशन से बहुत सारे वीडियोस मैंने आपको बना दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहां सारे वीडियोस देख के सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन, 5 ईयर प्लान। देखो, 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले पंचवर्षीय योजना जिसे हम कहते हैं, कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। बेसिक चीजें क्या है मैं आपको बताऊं, आप सबको पता है कि 1947 में भारत को आजादी मिली, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। 1947 के पहले भारत में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, भारत में कुछ ऐसे सिस्टमेटिक चेंजेस हुए जिससे यह प्रतीत होने लगा कि भारत को समय से पहले आजादी मिल जाएगी, लेकिन वो ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र था उनका, कि इन चीजों को डिले करते करते 1947 तक ले गए। बट आप देखो तो भारत को बहुत पहले, 2-3 साल पहले आजादी मिल जानी चाहिए थी, बट कुछ कॉन्स्पिरेसी और कुछ तथ्यों के कारण इसमें डिले किया गया, ठीक है। देखो, पंचवर्षीय योजना पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्या इंपॉर्टेंट प्लान, देखो पंचवर्षीय योजना जो आई, 5 ईयर प्लान आया, वो 5 ईयर प्लान आपको 1951 में आया है, ध्यान रखना। 5 ईयर प्लान देखो, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ने ही तो इंडिया में क्या किया, 5 ईयर प्लान बनाया ना। प्लानिंग कमीशन जिसको बोलते हैं योजना आयोग, योजना आयोग, तो योजना आयोग ने हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान को बनाया ना। तो ये 5 ईयर प्लान कब बना, ये प्लानिंग कमीशन कब बना, देखो प्लानिंग कमीशन जो इंडिया में बना है आप ऐसे समझ लेना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना, ये डेट याद रखना। प्लानिंग कमीशन कब बना, 15 मार्च 1950 को बनाया प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना, 15 मार्च 1950 को बनाया प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन जब बना तो आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन के जो हेड होते हैं, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मैं 2-3 आपको बेसिक फैक्ट्स क्लियर करते चल रहा हूं ताकि आगे चल के आपको कोई समस्या ना हो, अच्छे से देखो समझो और एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ो, और जितना आप हमारे साथ चलोगे सक्सेस आपके उतने ही करीब आएगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, योजना आयोग कब बना था, प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो 15 मार्च 1950 को बना था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट हेड कौन से थे, ठीक है, पहले यहां पर हेड की बात हो रही, फर्स्ट हेड कौन से थे, तो फर्स्ट जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो प्लानिंग कमीशन का जब भी हेड होगा वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्लानिंग कमीशन के जो फर्स्ट हेड थे, फर्स्ट अध्यक्ष थे, वो थे जेएल नेहरू। और प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन कौन थे, वाइस चेयरमैन पहले, फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट की, तो ध्यान रखना, फर्स्ट थे गुलजारी लाल नंदा, इस चीज को ध्यान रखना। दो चीजें बिल्कुल क्लियर कट करके समझना, प्लानिंग कमीशन के जो पहले हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को बना, फर्स्ट हेड थे जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के गुलजारी लाल नंदा। ये दो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है आपको याद रखना। और क्या याद रखना है, देखो
और क्या याद आपको रखना है? प्लानिंग कमीशन, देखो प्लानिंग कमीशन कब बना? प्लानिंग कमीशन तो आपको बना है 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 में, ये चीजें क्लियर रखना। बट 1944 में इंडिया का पहला प्लान आया था जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, ध्यान रखना, बॉम्बे योजना। इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनने से पहले, योजना आयोग बनने से पहले, इंडिया में पहला प्लान है जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। और इस बॉम्बे प्लान, क्यों बॉम्बे प्लान कहा गया? क्योंकि इस बॉम्बे प्लान में बॉम्बे के, आपको पता मुंबई का ओल्ड नेम है बॉम्बे, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ऐसे समझ लो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब ऐसे 8 बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने मिलके भारत की आर्थिक नीति बनाई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप किया था। इसीलिए इसका नाम था आपको ऐसे समझ लो बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कब बना? तो बॉम्बे प्लान 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया था बॉम्बे में, कि भारत की आर्थिक नीति क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, इसीलिए इसका नाम है बॉम्बे प्लान। दूसरा प्लान जो बना उस प्लान का नाम था आपको गांधीयन प्लान। उसका नाम जो था वो गांधीयन प्लान था। गांधीयन प्लान क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गांधी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जैसे जयप्रकाश नारायण, आपने जयप्रकाश नारायण का नाम सुना था, जयप्रकाश नारायण, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो जेपी मूवमेंट। तो जयप्रकाश नारायण ने एक प्लान फॉलो किया और बोला कि नहीं, भारत में बॉम्बे प्लान की जरूरत नहीं, भारत में गांधीयन प्लान की जरूरत है, भारत में गांधीयन प्लान ही इंप्लीमेंट होगा। गांधीयन प्लान का मतलब यह था कि भारत में गांधी जी के आइडियोलॉजी को प्रमोट की जाएगी, गांधी जी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे। सो ये इसकी बात की गई थी गांधीयन प्लान की, और गांधीयन प्लान जयप्रकाश नारायण लेके आए थे, ठीक है। तीसरा एक प्लान आया, थर्ड प्लान, और ये थर्ड प्लान था उसका ये नाम था, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स प्लान। इस पीपल प्लान को लेके लाने वाले व्यक्ति कौन थे? जिनका नाम था M.N. Roy, ध्यान रखना। योजना आयोग बनने से पहले तीन प्लान आए, जिसका नाम था आपको, पहला प्लान था जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, 8 इंडस्ट्रीज ने बनाया था, दूसरा प्लान था जिसका नाम था गांधीयन प्लान, जिसको जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, तीसरा प्लान था जिसका नाम था आपको पीपल्स प्लान, पीपल प्लान्स M.N. Roy लाए थे। तो प्लानिंग कमीशन बनने से पहले, प्लानिंग कमीशन को बनने से पहले ये सारे प्लान आ चुके थे, ध्यान रखना, तीन प्लान। और इस तीन प्लान के समाप्त हो जाने के बाद तब 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्लानिंग कमीशन गठन होने से पहले कौन कौन से प्लान भारत में काम करे, तो तीन प्लान का नाम याद रखना, बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान एंड देन गांधीयन प्लान, तीन। तो आपको तीन प्लान आपको समझ में आएगा कि तीन प्लान क्यों आए थे और किसने बनाया था। अब हम एक एक करके बात करेंगे प्लानिंग कमीशन के ऊपर, कि प्लानिंग कमीशन क्या है और किस तरीके से काम किया है। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना को हम बोलते हैं हेरोड डोमर मॉडल, ध्यान रखना। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब थी, तो ध्यान रखना जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी 1951 से लेके 1956 तक, यहां पे नहीं लिखा है, ध्यान रखना। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर 1956 तक थी। देखो स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, दिमाग एकदम बिल्कुल फोकस करके देखो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं जीके में इंटरेस्ट नहीं आता, देखो इंटरेस्ट तो आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप आपके घर में कुछ ऐसा खाना बना रहता है जिसको आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मैं इसको खा नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप तमाम ऐसे लोगों को देख लो कि कुछ ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो जाती है जहां पे आपको बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो आप वहां पे सर्वाइव करते हो ना। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, आप इन चीजों से भाग नहीं सकते, अपने आप को भगा नहीं सकते कि नहीं हम ये तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, आपको इन चीजों को फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो
जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका नाम क्या था? हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। और ये पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1951 से लेकर 1956 तक। ध्यान रखना 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन हो गया था, गठन 1950 में हुआ, बट पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये किस चीज पे बेस्ड थी? एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थी, क्योंकि भारत सरकार का टारगेट था कि हमें कृषि को आगे लेके जाना है, कृषि डेवलपमेंट के लिए काम करना, इसीलिए ये जो योजना थी वो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर थी, ठीक है, कृषि क्षेत्र के लिए ये थी, ठीक है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, ध्यान रखना जो पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना बहुत सक्सेसफुल था, ऑलमोस्ट हमने 3 के आसपास हमने टारगेट किया था, 3% के आसपास हमने टारगेट किया था कि क्या होगा हमारा हमारा विकास दर होना चाहिए पहली पंचवर्षीय योजना में, और पहली पंचवर्षीय योजना में हमने 3% विकास दर भी हासिल किया और पूरे तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने डेवलप किया था। तो ओवरऑल अगर टोटालिटी में देखें तो पहली हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी वो सक्सेस हुई थी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के ऊपर, और सेकंड जो फाइव ईयर प्लान था वो 1956 से लेकर 1961 तक। देखो आपको करना कुछ भी नहीं है, जितने प्लान होंगे ना उसमें 5-5 ऐड करना, तो 56 में वो खत्म हुआ तो 56 से लेकर क्या होगा 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना होगी। और ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड था, यानी कि ये उद्योग के ऊपर आधारित था, ठीक है ना। देखो औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर आधारित था, देखो मैंने लिखा यहां औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर आधारित था, यानी कि उद्योग को किस तरीके से बढ़ाए, इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाए, उसके ऊपर हमने फोकस किया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें, इस पंचवर्षीय योजना को पीसी महलनोविस मॉडल्स कहा जाता है, ध्यान रखना पहले को हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है, देखो यहां पे मैंने बताया है पहले को हेरोड डोमर मॉडल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मॉडल था इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है पीसी महलनोविस मॉडल कहा जाता है। ये सारे के सारे अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए इनके नाम पे ये हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की डेवलपमेंट की थी, ठीक है। अब देखो ये जो आप समझ लो, ये जो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, मैंने क्या बोला इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया गया, और इसी पंचवर्षीय योजना में 3 नए स्टील प्लांट का गठन हुआ, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, रावलकिला स्टील प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, वो SSC हो DSSB हो, कि किस पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट का गठन किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टील प्लांट का गठन किया गया था, वो इसलिए क्योंकि ये जो पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो बेस थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है, दिमाग को खोल के रखो और एक एक चीज को फोकस करो, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान के ऊपर। देखो थर्ड फाइव ईयर प्लान क्या है, तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से लेकर 1966 तक थी, थर्ड फाइव ईयर प्लान। और ये जो थर्ड फाइव ईयर प्लान थी इसका टारगेट क्या था, इसका टारगेट था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट फाइव ईयर प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरा फाइव ईयर प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, थर्ड फाइव ईयर प्लान डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र को किस तरीके से हम बढ़ाएं, ये थर्ड फाइव ईयर प्लान में हमने फोकस किया। देखो इस पंचवर्षीय योजना को हम बोलते हैं गाडगिल योजना, थर्ड फाइव ईयर प्लान इज नोन एज गाडगिल योजना। देखो इसमें हमने क्या किया, ये जो हमारा जो थर्ड ईयर फाइव ईयर प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, थर्ड फाइव ईयर प्लान हमारा उस तरीके से देखो तो पूरी तरीके से फेल रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारे बैक टू बैक दो बड़े युद्ध हुए, और इस दो बड़े युद्ध के बाद भारत पूरी तरीके से टूट गया और हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो थर्ड फाइव ईयर प्लान फेल हो जाने का जो कारण है वो दो कारण है, पहला चाइना के साथ हमारा युद्ध होना और दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध होना। और इस दो युद्ध होने के बाद भारत का, मतलब एक तरीके से समझ लो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सा गया, थम सा गया, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और इसी पंचवर्षीय योजना में 1965 में झारखंड के बोकारो में स्टील प्लांट का गठन किया गया था। हमारे इंडिया में 4 स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और रावलकिला स्टील प्लांट। जो 3 स्टील प्लांट बने थे वो दूसरे पंचवर्षीय योजना में बनी थी, और जो तीसरा स्टील प्लांट बना था बोकारो स्टील प्लांट वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनी थी, ठीक है। चलो
अब ये हुआ कि 1966 देखो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब थी, देखो तीसरी पंचवर्षीय योजना 66 तक थी। 66 में क्या हुआ कि आपको जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे उनका ताशकंद में देहांत हो गया। आपको पता है कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद थी, और ताशकंद फाइल्स के ऊपर एक मूवी बनी है जिसमें बताया गया कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ था आपको पता है। जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई तो डिसाइड ये नहीं कर पा रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। वो अलग बात है कि कुछ दिन बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था कि भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। ठीक है, तो देखो हुआ ये कि डेथ हो जाने के बाद हमने गैप ले लिया, 3 साल का गैप हुआ, और इस 3 साल के गैप को हम बोलते हैं, 3 साल के हम गैप को बोलते हैं हॉलीडे प्लान। का मतलब यह है कि सरकार ने बोला कि अब हम कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे, मतलब 5 साल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, हम छोटे छोटे डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो ये पंचवर्षीय योजना प्लान क्या कर दी गई, छुट्टी कर दी गई, इसमें पंचवर्षीय योजना प्लान नहीं की गई थी। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो ये पूछता है आपके एग्जाम में, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति थी वो इसी पंचवर्षीय योजना में आई थी। डेट एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 1966 से लेकर 1967 तक ये वाला जो डेट है याद रखना, इसी में ही भारत में हरित क्रांति हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से लेकर 1967 के बीच में हुआ। ध्यान रखना इस समय भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी, भारत में हॉलीडे था, हॉलीडे, ठीक है, ध्यान रखना छुट्टी था, कोई प्लान नहीं था। अगला पॉइंट, दो नाम ध्यान रखना जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये दो नाम ध्यान रखना, भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, हम अगले तरफ आते हैं, फोर्थ 5-year plan, चौथी पंचवर्षीय योजना। देखो 66 में खत्म हुई, 3 साल का गैप, तो 69 आ जाएगा ना, 67, 68, 69, तो 69 से लेकर 74 तो क्या हुआ, चौथी पंचवर्षीय योजना। टारगेट क्या था, सेल्फ डिपेंडेंसी, क्योंकि हम देख चुके थे हमें खाने की कमी थी, हम देख चुके थे हमारे पास हथियार की कमी हो गई थी, तो भारत सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, हम इंपोर्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम इस तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। ठीक है, सो सेल्फ डिपेंडेंसी टारगेट क्या था, आत्मनिर्भर। और ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसमें देखो मेजर काम हुए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इंदिरा गांधी ने पहली बार बोल्ड स्टेप्स लिए, और उन्होंने जितने भी प्राइवेट बैंक थे उन सभी बैंकों को सरकारी बैंक में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, फोर्थ 5-year plan में। और ध्यान रखना चौथी पंचवर्षीय योजना में जितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, किनका राष्ट्रीयकरण हुआ, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी कुल संपत्ति 50 करोड़ रुपए थी, सबका नहीं हो गया, ध्यान रखना। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, और उन बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिसका कैपिटल कितना था, 50 करोड़ रुपए, ये यहां पर लिखा हुआ है 50 करोड़, इस चीज को ध्यान रखना। अगली योजना की तरफ आते हैं, नेक्स्ट 5-year plan, फिफ्थ 5-year plan, पंचवर्षीय योजना, इस पे जरूर फोकस करना। देखो यहां पे मैंने लिख दिया, इस पे जरूर फोकस करना, जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1974 से लेकर 1978 तक चली। और ध्यान रखना आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल नहीं चली, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 5 साल नहीं चली थी, इस चीज को याद रखना। देखो 1974 से लेकर 1979 तक होना चाहिए, लेकिन ये 78 तक ही है, तो ध्यान रखना, याद करने का तरीका, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली। ठीक है, और इसका काम क्या था, गरीबी हटाओ, इसका टारगेट था कि गरीबी हटाओ।
इसका जो टारगेट था वो क्या था, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी पॉवर्टी एलिमिनेशन टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली हमने पॉवर्टी को उस तरीके से हटा नहीं पाया और आज तक भारत में गरीबी है। और ये डेट याद रखना 25 जून 1975 को भारत में क्या लगा था, इमरजेंसी लगाया गया था और 21 महीने भारत में इमरजेंसी चली थी, तकरीबन 2 साल भारत में इमरजेंसी चलाई गई थी। और उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। जितनी चीजों को मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं समझ लेना को मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से पूछता ही पूछता है। तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और जब देश के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। और मैंने आपको यह भी पॉलिटी की क्लास में बताया है कि फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन दो ऐसे मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट हैं, सॉरी प्रेसिडेंट हैं, जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। तो दो मुस्लिम राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखना। और ये डेट याद रखना कि 1977 में इमरजेंसी को एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि उसी समय पहले नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड हुई थी जनता पार्टी की और मोरारजी देसाई देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सो मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री हैं जिनका, जो जनता पार्टी से चुन किया और इंदिरा गांधी के जाने के बाद, पद से हटने के बाद मोरारजी देसाई ने पदभार संभाला। देखो यहाँ पे लिखा पहले गैर प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला। अब जब मोरारजी देसाई आ गए तो मोरारजी देसाई ने बोला कि भाई हम ये करेंगे कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाए गए सारे स्कीम्स को हम बंद कर देंगे। सो इंदिरा गांधी पंचवर्षीय योजना को चला रही थी, 5 ईयर्स प्लान को चला रही थी, तो इंदिरा गांधी के जितने भी स्कीम्स थे मोरारजी देसाई ने बंद कर दिया। और इसलिए 1978 से लेकर 79 तक पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई और उसके जगह पे क्या ला दिया गया, उसके जगह पे ये रोलिंग प्लान ला दिया गया, याद रखना 1978 से लेकर इस तक। ठीक है, दूसरा 1979 में, ये भी ध्यान रखना 1979 में चौधरी चरण सिंह इंडिया के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोरारजी देसाई ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, 1 से 1.5 साल में ही सरकार गिर गई और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। और 1979 से लेकर इसमें क्या हुआ, दूसरा हॉलिडे, इसके बीच में भी कोई प्लान नहीं आया, यानी कि सिंपली आप ये समझ सकते हो कि जो पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई उसके बाद 1978 से लेकर 1980 तक ये दो ऐसे थे जहां कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। तो यहां भी अगेन हॉलिडे प्लान था। अब अगले हम प्लान की तरफ चलते हैं, छठे प्लान की तरफ चलते हैं, 6 5-year प्लान जो 1980 से लेकर 1985 के बीच में चलाई गई थी। इसका भी टारगेट क्या था, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादातर हमने गरीबी के ऊपर फोकस किया और इतना दुर्भाग्य है भारत के लिए कि आज तक भारत से गरीबी हटाई नहीं गई है। अगर यह प्लान सक्सेसफुल हो गया होता तो शायद आज भारत से गरीबी मिटाई जा सकती थी। ठीक है, चलो अब देखो इसी छठी पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हुआ है। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना में फिर से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हुई है और यहां पे 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये 6 बैंक कौन से थे, तो ये वो बैंक थे कि जिनका कैपिटल, देखो ये 6 बैंक कौन से थे, वो थे जिनका कैपिटल कितना था, 200 करोड़। ध्यान रखना जो पहले वाले में जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये वो बैंक थे जिनका कैपिटल 50 करोड़ था, ये वो बैंक थे जिनका कैपिटल कितना था, 200 करोड़ रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। यही वो योजना थी, आप ऐसे समझ लो यही वो पंचवर्षीय योजना थी जहां पे क्या हुआ था, नबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। और एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा है कि नबार्ड, नबार्ड कैसे बना, नबार्ड बना है शिवरामन कमेटी के आधार पे, शिवरामन समिति के आधार पे, ये ध्यान रखना शिवरामन समिति के आधार पे 22 जुलाई 1982 को नबार्ड का गठन हुआ था। नबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक का गठन कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति के आधार पे हुआ था। ठीक है, और 1984 में इंदिरा गांधी को क्या कर दिया था, गोली मार दिया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पंचवर्षीय योजना के तहत 7th 5 ईयर
प्लान के तहत, और जो 7-5 ईयर प्लान था वो 1985 से लेकर 1990 तक था, ठीक है। इसका टारगेट क्या था? टारगेट था टेक्नोलॉजी के ऊपर कि हमें टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, तकनीक में कैसे सुधार करना है, ठीक है। बट इसके 7-5 ईयर प्लान चलने के कुछ दिन बाद राजीव गांधी का भी देहांत हो गया, और राजीव गांधी के देहांत होने के बाद फिर से भारत में क्या हुआ, हॉलीडे प्लान आया, और इस हॉलीडे प्लान में 1992 से लेकर 1992 तक भारत में हॉलीडे प्लान रहा, छुट्टी रहा, कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। और यही वो समय था, यही वो समय था जब भारत में क्या आया, भारत में एलपीजी मॉडल आया। लाने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीपी नरसिम्हा राव। एलपीजी के ऊपर पूरा का मैंने विस्तार एक वीडियो बनाया है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ध्यान रखना, एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं आई थी, एनुअल प्लान, सॉरी हॉलीडे प्लान में आया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और देश के वित्त मंत्री नन अदर देन डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। अगली योजना की तरफ हम चलते हैं, जो आठवीं योजना थी वो कब बनी थी? 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। इसका टारगेट क्या था? एलपीजी मॉडल्स को लागू करना, एलपीजी सुधार को लागू करना, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण को एकदम लागू करने की इसमें प्लान रखी गई थी। और इस बैंक में क्या हुआ, इस बैंक में, सॉरी इस प्लान में क्या हुआ, इस प्लान में हमने ये किया, 1993 में एक बैंक थी जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का हमने मर्जर किसके साथ कर दिया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। यानी कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का हमने विलय किसके साथ कर दिया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ठीक है। अब अगली योजना की तरफ चलते हैं, जो हमारा अगला योजना है, अगली योजना जो है वो अगली योजना आपका 9th 5-year प्लान है। 9th 5-year प्लान देख लो कब से था, 1997 से लेकर 2002 तक। इसका टारगेट क्या था? ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, क्योंकि आप वो देख रहे थे कि भारत में धीरे धीरे अब स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे थे, भारत में आर्थिक विकास नहीं हो रहा था, इसलिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, ठीक है। अगली हम योजना की तरफ चलते हैं, अगली योजना जो 10th 5-year प्लान थी 2002 से लेकर 2007 के बीच में। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना में कारगिल युद्ध भी हुआ था, है ना, पूछता हुआ है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पंचवर्षीय योजना में कारगिल युद्ध हुआ था। तो जो 9th 5-year प्लान था उसमें हमने कारगिल युद्ध किया था, ठीक है। सो 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका टारगेट क्या था? अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, अर्थव्यवस्था में सुधार था। तो हमने ठीक ठाक ही किया, कुछ ज्यादा इसमें अच्छा हमने प्रदर्शन नहीं किया है। अगला प्लान की तरफ चलते हैं, जो अगला प्लान है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 में चलाई गई थी। इसका टारगेट क्या था? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी एवं धरणीय विकास। इसका टारगेट ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या? हम विकास तो करेंगे लेकिन एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम विकास तो करेंगे लेकिन मानवता के ऊपर चोट नहीं करेंगे, हम विकास तो करेंगे लेकिन दूसरे देश को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थीम को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई, जो 2007 से 2012 तक चली, ठीक है। अगली और लास्ट पंचवर्षीय योजना, जो 12th 5-year प्लान, जो 12th 5-year प्लान चलाया गया 2012 से लेकर 2017 तक, और ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि 2012 से 2017 ये भारत का आखिरी पंचवर्षीय योजना था, और इसके बाद भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना को हमेशा हर हमेशा के लिए समाप्त करके और इसके स्थान पे नीति आयोग का गठन कर दिया। तो नीति आयोग क्या है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लो कि जो पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो फोकस किया गया था किस चीज पे? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना हो गई, जो मैंने आपको बताया है, और 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में नीति आयोग का गठन किया गया, तो वो जो योजना थी वो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 1 जनवरी 2015 से भारत में नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट योर प्लानिंग कमीशन। मैं आपको कुछ बता दूं
प्लानिंग कमीशंस के बारे में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो प्लानिंग कमीशंस को आप ऐसे समझ लो, प्लानिंग कमीशंस के बारे में आप ऐसे समझो, जनरली स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन ये होता है कि प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चंस क्या पूछेगा। जितनी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब की है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे प्लानिंग कमीशन के लिए, और आप डिस्क्रिप्शन से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड करो, एक एक चीज को पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, तब जाके आपको प्लानिंग कमीशन अच्छे से हो पाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आई, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई, दसवीं पंचवर्षीय योजना कब आई, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, गलती कर देता है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, कि ट्रिक से हमें किस तरीके से याद करना है पंचवर्षीय योजना। देखो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक आई थी, ये तो आपको पता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी, 1956 में आई थी, ठीक है। पहली, दूसरी देख लो, करना कुछ नहीं है, 1956 से 5 ऐड कर देना तो 1961 होगा। तीसरी कब आई थी, 1961 से लेकर 1966, तो 3 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गए। पहला याद रखना है बस कि 1951, उसमें 5 5 5 जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। पहला 1951, 5 ऐड करना, फिर 5 ऐड करना, फिर 5 ऐड करना। पहली 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 3 इयर्स का गैप हुआ, ध्यान रखना, 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 3 साल का गैप हुआ। अब 3 साल का गैप हुआ तो इसमें 3 ऐड कर दो, तो 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1969। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से कब चली थी, 1969 से लेकर 1974 तक, ये 9 है। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब चली थी, 1974 से लेके 1978 तक। देखो चलनी चाहिए थे 1979 तक, लेकिन 1979 तक नहीं चली थी, 1974-8 तक ही चली थी। ये याद करने का तरीका, पांचवी योजना 5 साल नहीं चली, पांचवी पंचवर्षीय योजना 5 साल नहीं चली। छठी देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से क्या आ गया, 2 साल का गैप आ गया, 2 ईयर्स का गैप आ गया, ध्यान रखना। पहली 3 चलने के बाद 3 साल का गैप, अगेन 2 साल चल, 2 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 2 साल का गैप। अगला देख लो, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब चली थी, 1980 से लेकर 1985। देखो इसमें 2 ऐड कर दोगे ना, 2 इयर्स का गैप है, तो ये क्या हो जाएगा, 1980, तो 1980 से 1985। सातवीं, 1985 से लेकर क्या हुआ, 1990 में हुआ। उसके बाद राजीव गांधी की डेथ हो गई, जब राजीव गांधी की डेथ हो गई तो फिर 2 साल का हॉलीडे ले लिया, फिर छुट्टी हो गई, तो इसमें फिर 2 इयर्स का गैप आ गया। अब 2 इयर्स का गैप अगर उसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 1992। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से चली, 1992 से लेके 1997 तक। आठवीं, नौवीं कब चली, 1997 से लेकर 2002 तक। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, बस 5 5 5 ऐड कर देना है। तो याद करने का तरीका है, पहली याद रखो, 5 जोड़ दो, 3 बार 5 5 जोड़ो, 3 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद 3 साल का गैप हुआ, फिर 3 उसमें जोड़ दो, फिर 2 बार 5 5 चलेगा, फिर 2 पंचवर्षीय योजना चलने के बाद फिर 2 साल का गैप हुआ जो मैंने आपको यहां लिखा है, फिर 2 साल का गैप चलने के बाद फिर 2 योजना चलेगी, फिर 2 साल का यहां पे गैप आएगा, और कंटिन्यू 5 5 होगा, ठीक है। सो ये आज का हमारा डिटेल डिस्कशन रहा प्लानिंग कमीशंस को लेके। आई उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना अच्छा लगा, कितना आपको इससे बेनिफिट हुआ है, ताकि हम लोग और अच्छा और इनोवेटिव वीडियो बना सके। अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, और अगले एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।